यार लोगों को ना सब लोग मारना वीरना बहुत इजी लगता है, मतलब बोलते ना एक अंदर से एक वो लगता है ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आता ही नहीं आजकल लोगों को सैटिस्फेक्शन मिलता है उन लोग को, लोगों को दर्द में देख के ऐसा हो गया अभी। Hey guys, welcome back to my channel and बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हाँ मैं इनकन्सिस्टेंट थी बहुत दिन से, मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। मैंने बीच में ट्राई भी किया था बट मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने एक वीडियो बनाया है बट वो अभी नहीं अपलोड करूँगी थोड़ा टाइम बाद, वो रीज़न भी आपको पता चल जाएगा क्यों। तो और भी बहुत चीज़ें अपकमिंग है तो मैं इसलिए रुकी थी कि एक बार चीज़ें जैसे ही कंटिन्यू होगी तो मैं तभी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। बट मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स ने मुझे कल मोटिवेट किया बहुत कि बना फेमस हो जाए, वो दूर की बात है लेकिन कोशिश कर यार। तो मैंने वो सोचा यार कुछ नहीं करने से अच्छा एटलीस्ट कोशिश करूँ, तो फिर इसलिए मैं अब से कुछ नहीं तो कुछ तो वीडियो डालूँगी। तो आज मैं कुछ नहीं, अभी जिम जा रही हूँ और जिम से फिर जाएंगे रोमिया के घर पे। आपने उसको मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, तो रोमिया के घर पे जाएंगे फिर वहाँ पे थोड़े रील्स बनाएंगे और बस यही है। तो चले जिम चलते, लेट हो गया ऑलरेडी बहुत, आज है लेट डे। अब मैं आ चुकी हूँ घर, अब मैं फ्रेश होंगी, बहुत थक गई हूँ, सब पेन कर रहा है अभी तो, पेन नहीं पेन करेगा कल पेन करेगा। तो स्टे ट्यून्ड, बीच में स्किप मत करना। अभी फ्रेश होके फिर मैं जाऊँगी रोमिया के घर पे और फिर हम रील्स बनाएंगे, फिर शाम को थोड़ा बकचोदी करेंगे, मिलेंगे सब दोस्तों को अर्पिता इनको, तो उनसे आपको भी मिलाती हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज कुर्ते में रील्स बनाएंगे और जा रही हूँ। लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, 2 घंटा का मुझको 2 का टाइम दिया था और अभी 4 बजने 3:30 हो गया, तो फटफट जाती हूँ और शिमला आती हूँ। थैंक यू। क्या कर रही है तू? व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग बना रही है? हाँ रील का। हाँ तू रेडी हो क्या है? हाँ तो मैं तुम्हें को रेडी हो क्या बोली, मैं देख कितना कितना खूबसूरत रेडी हुई, देख तो अच्छे से हो जा, इसलिए तो दरवाजा खोलने पड़े मुझे। बस हो गया, छोड़ जाने दे, क्योंकि पुराना व्लॉग भी हमारा चालू था पर पुराने व्लॉग का हमने कुछ एडिट नहीं किया, पागल हो। नहीं ये वाला करूंगी, पूरा एडिट भी करूंगी, सब करूंगी, थक गई मैं, 2 वाला चढ़ के। तू रेडी हो? बस हो गई बस। हाँ। तो अभी क्या बोली मेरे को? मैं कुछ नहीं बोली, तूने ब्लश इसलिए बोल रही, तूने ब्लश लगाया था, मैंने ब्लश नहीं लगाया। कब से रेडी दिख रहा है ना उसका ब्लश, मैं दिखाती हूँ। चलो अभी हम लोग रील्स बनाते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ ब्लूपर रहेगा तो डालती हूँ मैं। अमर कौपल कौपल सो भी अमर कौपल बहुत बहुत ओवर एक्टिंग कर रही, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। देखो किया एक वीडियो लेकिन पूरा पसीना पसीना। ये है हमारा स्टैंड आज के लिए, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड ऑफ द डे, ट्राइपॉड ऑफ द ईयर बाय रोमिया पाल। जुगाड़ू, ये है जुगाड़ू, सस्ता जुगाड़ू हमारा। यस फोन गिरेगा नहीं, फोन इसी पे रहेगा, फोन गिरने नहीं वाला। और ये
पानी में प्यास लगेगी तो पानी पी सकते हैं, सो डबल बेनिफिट, डबल बेनिफिट। बहुत सोचती लड़की। बाकी व्यू देखो, व्यू तो मस्त है। गरीबों का ट्राइपॉड गिर चुका है लेकिन अच्छा है, इधर टूटेगा। हाँ नसीब उधर रहता और गिरता, होटल टूटेगा तो मम्मी मेरे को तोड़ गई भाई, फिर तो हम टूट जाते हैं। देखो क्या क्या करना पड़ता है रील बनाने के लिए। डाल दो इसको ड्रम में, आ जाएगी। गिरा कैसे लेकिन रे? ज़ुल्फ़े मेरे ट्रैपोड, किसी को तो हाथ लगा था ना इस पे? नहीं अपन दोनों इधर थे तो गिरा कैसे लेकिन? वही तो नहीं पता, इतना जोर से हुआ यार, गिरा दिया। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ लेट्स स्टार्ट अगेन। क्यों चलती है पवन क्यों जो मेरी तोड़ू, क्यों मैं चलता है पन ना तुम जानो ना हम। साला बाल खराब। ये वीडियो साथ में देना मेरे को, थोड़ा मैं जा रही हूँ अपने व्लॉग में। व्लॉग तो नहीं बना रही मैं, अर्पिता और ये जिंदा लाश रूहान है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ अर्पिता के घर पे और अभी हम लोग चाय पिएंगे जो कि अर्पिता बना रही है, व्लॉग बना रही हूँ मैं और वो आप स्नैप बना रही है। तो चाय वाय पीते मस्त, केक खा ले, भूख लग रही है। कल हम लोग जा रहे थे मूवी देखने, उसका अलग व्लॉग बनेगा। अभी नॉर्मली बस चाय वाय पी गए, शूट करेंगे और एक दोस्त खाना बाकी है, फिर और जो जो करेंगे शूट करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं। फन 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 फन, इसमें गाना गाएगी तो कैरियो के दिखा दे गाएगी। पहले चालू कर इसको। Hi guys, welcome back to my channel. Sherry Shell lady. चले गाना। Going free ना बना रही है। नहीं गाना बच्चे। Vlog बना रही हूँ मैं। Vlog खत्म नहीं हो रहा है इसका। ये एक तो ये गूंज रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं बात कर रही हूँ क्या। Hi, मत बोलो। मत क्या? Hi. Hi. गाना क्या लो? अरे उसमें गाना आते हैं ठीक है।
चल यार क्या नाटक कर रहा है यार, उसको ना हमेशा मस्का करना पड़ता है। अरे कॉमेडी हॉरर है रे, थिएटर में तू अकेला नहीं रहेगा। है ना भाई, वो ना इंसिडेंट का मैं बात कर रहा हूँ ना, देख रहा हूँ ना, मेरे को देखना देखने बाद अच्छा लग रहा है, इतना मेरे को खराब लग रहा है। तो बार बार देखूंगा ना और ऐसा होगा उसका। मैंने ना फोन में फर्स्ट स्क्रीनशॉट निकाला था लड़की का, उसका इधर इधर पूरा डार्क डार्क था, मतलब वो एक सेकंड मिली सेकंड के लिए आता है वो फोटो एक रील में, तो मैंने सब फटक से पकड़ के सब स्क्रीनशॉट निकाला था, डिलीट आज ही डिलीट किया। लो लिटरली मतलब वो एक वे उसकी नेबर का नहीं कि इंटरव्यू था, उसमें वो बोली भी कि जब उसका पापा गया तो आँख में आँख पूरा ना सब फूटा हुआ था, निकल रहा है ये करती है। फिर उसके बाद उसमें भी वो तब भी होता है जब पेल्विक का वो एक पर्टिकुलर बोन जब हाँ वो टूटता है ना तभी उतना होता है। और वो उस फोटो जो निकाला था ना उसमें भी पैर उसका ऐसा था, ऐसा करके मेन कैसा होता है ना पता है, जो उस टाइम पे वो झेली ना वो उसका दर्द उसी को पता हो क्या मतलब। तीन साल की लड़की और 9 साल का लड़का था जिसने रेप किया। अभी 9 साल का लड़का बच्चा उसी तो डेंजर सुना ना यूपी में, क्या 9 साल के लड़के ने क्या किया मुजफ्फरपुर में ना, वेणुशूद क्या किया, 9 साल के लड़के ने हाँ पिस्तल लेके गया और अपने से 2 साल छोटा लड़का यानी जूनियर सीनियर उसके ऊपर पिस्तल चला दिया उसने। शपथ यार, मतलब अभी पता नहीं यार लोगों को ना असल मारना वीरना बहुत इजी लगता है, मतलब बोलते ना एक अंदर से एक वो लगता है ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आता ही नहीं आजकल लोगों को सैटिस्फेक्शन मिलता है उन लोग को लोगों को दर्द में देख के। ऐसा हो गया अभी उसका देहरादून में हुआ एक नर्स के साथ जस्ट अभी 5 दिन पहले नर्स के साथ हुआ, ये कोलकाता के इंसिडेंट के बाद ही नर्स के साथ सेम सीन। अरे इधर ना वो कितना सही है यार, कैसा है ना लेकिन देख इधर ना उधर उन लोग का कैसा वो मुस्लिम लॉ है ना, तो उन लोग के इसमें ऐसा औरत लोग भी थोड़ा दायरे में रहते हैं, औरत लोग ना नहीं इधर के औरत लोग ना बहुत हराम है अपन ऐसा बोलते, लेकिन आधे से ज्यादा मोस्टली केसेस ये भी है कि औरत लोग फेक केस लगाते रेप का, कुछ भी हुआ रेप किया इसने मेरा बोलने को भी नहीं, मतलब एक टाइम पे ऐसा जिनका रियल में होता है ना उन लोग सोचते हैं कि नाम खराब होगा, जिनका नहीं होता ना उन लोग जा के ये सब केस लगाते हैं। हार्बर लाइन साइड सेम सीन हुआ, एक लड़की मतलब थी बेलापुर की लड़की नॉर्मली पंडित गई थी, पंडित लोगों ने रेप किया वो तो शिलफाटा वाला वो अलग है, नॉर्मली वो बेलापुर की लड़की जॉब से जल्दी आई घर पे से निकली बोली दोस्त लोग को मिलने जा रही हूँ, गई फिर रिटर्न है, फिर पता चला सीसीटीवी वगैरह निकला तो बहुत साल पहले एक लड़का था तो वो तो मुस्लिम था, तो उसके डैड ने इसको जेल में डाल दिया लड़की के चक्कर में ये पीछे आ रही है वो बोल के, तो जेल में डाल दिया लड़के को, तो लड़का एक डेढ़ महीने में निकला,
फिर लड़की भी कांटेक्ट में थी उसके, लेकिन घर वालों को पता नहीं, तो बातचीत करने का, लेकिन वो शादी का प्रेशर दे रहा था कि शादी कर मेरे से, लड़की नहीं बोल रही, तो फिर वो बोला ठीक है मेरे से आखिरी बार मिलने, तो फिर तेरा डिलीट सब पोस्ट कर दूंगा भाई ये फोटो वीटो। तो वो उसकी फ्रेंड को बोल के गई थी मैं जा रही हूँ, मेरी मजबूरी है, डर लग रहा है, लेकिन मैं जाके एक बार लास्ट मिल जाती हूँ। और वही उस दिन वो लास्ट गई, तो एक कचरा कुंडी था जिधर ज़्यादा पब्लिक नहीं आती, रात के टाइम पे उसको उधर मतलब मार दिया, रेप किया, मार दिया और वो कचरा कुंडी में फेंक दिया। फिर बाद में मैंने उसको ढूंढा ढूंढा, फिर वो कचरा कुंडी में बहुत दिन बाद मिला। और सी वुड मतलब वो साइड सब के सब थोड़ा अंदर अंदर जाएंगे तो अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ, थोड़ा मेन मेन में हुआ है ना, तो ऐसा वो एक केस था। मैं उस दिन ही देख रही थी यूट्यूब पे, आते रहता है उसकी पहली गर्लफ्रेंड मतलब बीवी, उसकी शादी वादी हो गई, बच्चा भी था तो उसकी जो पहली जिसके साथ अफेयर था उसको उसको झूठा रेप का केस डाला, घुसड़ी में 20 साल के लिए जेल में था, 20 साल के बाद वो गिल्टी नॉट गिल्टी प्रूव हुआ, फिर 20 साल बाद वो बाहर आया, सोचो। और वो फेक केस था, उसका वही पहला बहुत बड़ा चल, 20 साल वो जेल में था इसलिए कि वो फेक रेप केस, लड़की ने बहुत फंसाया, फिर उसकी बीवी को बच्चे को सबको फंसाया झूठे झूठे केसेस में, वो उसका फिर एबीपी न्यूज में उसका पूरा फेस ब्लर करके वीडियो आया था। इसलिए मैं अमित को बोलती थी तू कुछ भी करना लड़की लोग के इसमें ना थोड़ा कम जा, तू मदद करने जाएगा लेकिन कौन कैसे ना बोलने सकते क्या है, क्या और औरत लोग ही मादरचोद रहते ज्यादा सब। देखिए रेप का साइड में लेकिन ना ये सब मामले में ना फंसाने वाले बहुत रहते, तू नहीं मेरे इसमें आ रहा है ठीक है अब मैं तेरे को ऐसा फंसा, इसमें ना उसकी जीत होती है जिसके पास पैसा। हाँ ये तो पहले एक चीज, ये तो भाई तुम्हारे पास पैसा है ना तुम्हारे तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल जाओगे, मैंने ये भी देखा दो इंसानों का मर्डर करके तुम निकल जाओगे। अरे वो पोर्शे वाला भी तो वही सीन है ना, पैसे अरे वो तो बाहर ही घूम रहा है जिसका माँ बेटी गई जिसका बेटा गया उनका कुछ नहीं, इतना पैसा कमाओ कि मेरे को तो ना अभी सच में बता डर लगता है भाई, ना आदमी सेफ है ना औरत सेफ है कोई बाहर, क्योंकि नॉर्मली भी देख थोड़ा भी अनबन हुआ ना लोग मार देते। अभी दो जन में झगड़ा हुआ था किधर, तो बच्चे लोग में झगड़ा हुआ दोस्त दोस्त में, तो एक ने दूसरे का गला काट दिया डिसएग्रीमेंट में, वो भी किससे, चाकू से, और एक स्कूल में हुआ वो राउंडर से। हाँ बोलते स्कूल सबसे सेफ जगह है, वो बच्चा सीधा ग्राउंड में गया राउंडर लिया और गले में 4-5 बार ऐसा गुप 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 मारा, उसको खून निकल गया फिर वो उधर से स्कूल से भाग रहा है उसको पकड़ लिया, फिर बाद में सब पुलिस आके उसको फटफट एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल गए, उतने देर में उसका वेंट पाइप जिसमें सांस जाता है वेंट पाइप उसमें ही उसने इतना जोर का राउंडर घुसा इधर उधर इधर उधर हो जगह, तो हम 10 पड़े 10वीं में भी नहीं था वो लड़का, 9th स्टैंडर्ड में समथिंग था, सिस्टम वाले बंदे में ये एग्रेशन लोगों में इतना गुस्सा आता है सर, दिमाग में ये सब चीज आते हैं कंट्रोल, लेकिन ना वो एक फर्क होता फटाक से ये सब कर देना, नहीं उसका सोल्यूशन ही नहीं है। और लोगों को पछतावा है कि मैं जेल जाऊंगा जाऊंगी कुछ करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था ना उसकी शादी के दिन, बहुत वायरल हुआ था ये भी। कोई किससे प्यार करता है तो ऐसा लगता है ठीक है वो खुश है रहने देते, इधर भैंचोद मार देते सामने को कैसा भाई, मतलब लोगों समझ में नहीं आता टेम्परमेंट ही नहीं समझ। बेसिक कोई प्यार व्यार करे और छोड़ देता, हाँ ठीक है भाई तू खुश रहे भाई, इधर भैंचोद मार रहे पीट रहे, और ऐसा ऐसा नहीं कि एक चाकू मार दिया खत्म, भैंचोद मारे जा रहे स्टैब किए जा रहे ऐसा, जैसे अगर चाकू मार दिया और वो बच गया ना तो उसकी माँ चुट जाएगी। तो उसको 10 साल जेल होगा, जबकि अगर खत्म करके भले 20 साल जेल है लाइफ टाइम जेल है, लेकिन सामने वाले का तो जान चला गया ना, इस वजह से वो पूरा मारेगा। अभी वो एक चाकू मार लिया और उसने जिंदा हो गया तो मतलब उसके लवड़े लग गए, मार दिया मर गया, उसको पत्थर से उसका मुंह खराब कर रहे, ये बेलापुर वाली का पत्थर से मुंह पूछ लिया था, कितना मतलब बाप रे ब्रूटल है ये सब, किससे प्यार करने को भी डर लगेगा।
ये बीच में कल्याण साइड है किधर, तो एक औरत वो काम पे जाने की ना, तो उसके पति ने उसको मारा था नीचे उसके पति ने उसको मारा क्योंकि जस्ट बिकॉज वो काम पे जाती है करके, भरे रास्ते में मार्केट में मारा था, सोच मार डाला। हाँ कि वो काम पे जाती, उस पर शक करने का कि तू काम पे जाती, खुद नहीं कमाने का, वो उसकी बीवी जाने के बिचारे, और उसका कुछ था तो भी नहीं, उसके शक के चक्कर में मर्डर कर दिया उसका, भी वो भी बीच रास्ते में एकदम। तो गाइज मैं अभी घर पे आ चुकी हूँ, मैं अर्पिता के घर से क्लास गई, मतलब बीच में थोड़ा टाइम पास किया, वो जल्दी पता चलेगा मैं कहाँ टाइम पास कर रही हूँ आजकल। और फिर वहाँ से मैं क्लास गई, फिर क्लास से मैं अभी जस्ट थोड़ा टाइम हुआ घर पे आई हूँ, और बस यही तक का था आज का व्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स रीड कर दे, अभी मैं उतनी फेमस तो हूँ नहीं, तो मेरे को काम ही क्या है, तो मैं आपके कमेंट्स देख भी सकती, तो मुझे अच्छा लगता है जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। तो दैट्स फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हो, वैसे तो कोई करता नहीं आई नो, बट आप कर सकते हो, एंड सेकेंडली एक कमेंट प्यारा सा रीच कर देना अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो, ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू।